डिजिटल एक्सपर्ट मोहम्मद फैसल आज हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है इस बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर आदमी, खासतौर पर नौजवान तबका, इज गोइंग फॉर फ्रीलांसिंग। तो मुझे ये बताएं कि किस तरीके से, कहाँ से और कैसे पिक किया जाए कि जी मैं ये काम स्टार्ट करूँ। So, according to the Bismillahirrahmanirrahim World Economic Forum report, दुनिया भर में इस वक्त 600 million jobs मौजूद हैं। ये remote jobs हैं, hybrid jobs हैं। ये इसमें 95% जो jobs हैं वो World Economic Forum report के मुताबिक G20 countries में, और यहाँ इनके पास talent नहीं है। तो अगर हमारी पाकिस्तानी youth या मुस्लिम उम्मा जो है overall, अगर वो रोज़ाना 3 से 4 घंटे निकाल सकती है और घर बैठकर पूरा हैंड्स ऑन लैब सब चीज़ें कर सकती है, तो वो ही काम कर सकती है। देर इज़ नो सच थिंग, देर इज़ अ कन्फ्यूजन के लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग। ये जो जॉब्स हैं हाईली पेड, ये रिमोट जॉब्स हैं। सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज फ्रीलांसिंग पर से, दे आर कंसिडर्ड एज रिमोट जॉब्स। सो इनको पकड़ने का एक पूरा तरीका है, तरीकेकार है, जिसका हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके ऊपर मैं आपको और भी बता सकता हूँ। तो प्लीज़ गो ऑन। सो बैक इन 2008 जब मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ से इस आइडिया का इंसेप्शन लिया मैंने US के अंदर। उसके बाद मैंने, जब मैं MIT गया, तो फिर मैंने इसको फाइनलाइज किया। एंड आफ्टर दैट, व्हाइल आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री एज अ CISO, 2014 में कंपनी रजिस्टर्ड की, 2018 में स्टार्ट किया मुख्तलिफ एलुमनाइज को, स्टैनफोर्ड, MIT, कैलटेक, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के लोग जमा किया जो इंडस्ट्री में काम करते थे। वो नहीं कि सिर्फ किताबी PhD थे, नहीं, आई वॉज लुकिंग फॉर कि जो काम करते हैं। और उसके बाद फिर हमने अल्लाह का नाम अन्नाफे, जो अल्लाह का नाम है नफ़ा पहुंचाने वाला, उससे काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास बहुत कसीर तादाद में 200 ममालिक से ऊपर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, और 13 ज़बानों में हम पढ़ाते हैं, 13 लैंग्वेजेस में। पाकिस्तान के साथ खसूसियत, मतलब कि ख़ास बात यह है कि जाहिर सी बात है, आई वॉज बॉर्न हेयर, मैं यहाँ पैदा हुआ था, एजुकेशन सारी बाहर की थी, लेकिन आई वॉज बॉर्न हेयर। So wanted to do something कि पाकिस्तान में क्या किया जाए, क्योंकि यूथ यहाँ पर जो है ना बड़ा टाइम ज़ाय कर रही है सोशल मीडिया में, मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों में, और वो टोटल, यानी कि ना यूनिवर्सिटीज़ भी हमें फेलियर की तरफ लेके जा रही हैं, बिकॉज जॉब मार्केट में जो मांगा जा रहा है वो यूनिवर्सिटीज़ वो बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर रही। नाउ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट, अगर आपको इमिग्रेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है ना एक बस एक डिप्लोमा मिल बन गई है, इट्स जस्ट लाइक दे आर जस्ट गिविंग यू handing you a piece of paper. बिल्कुल। लेकिन जो skills हैं वो आपको जो है ना jobs पे लेके जाते हैं। इसी तरह हमारे जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, जैसे आपने कहा easier said than done, yes that is true, because you have to work really hard, आपको काम करना पड़ता है। 3 से 4 घंटे अगर आप लगाएंगे रोज़ाना for the next 3 months, 5 months, तो फिर आप जो हैं अपने आप को इतना secure कर सकते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं यहाँ पर, वो जिनका 10-10 साल का career gap था, वो 175,000-200,000 rupees घर से बैठ के कमा रही हैं, बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रही हैं, UK में, US में, कनाडा में, विदिन G20 कंट्रीज। सो दुनिया के जो 85% जो GDP है $100 trillion का, 85 trillion, वो G20 कंट्रीज में आता है, जिसमें यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में US, मेक्सिको, कनाडा सब आते हैं, और यूरोपियन यूनियन और UK सब। सो यहाँ अगर आपको काम करना है, और यहीं पर सारी जॉब्स होती हैं, यहीं पर लोग एक्सपैट्स जाते हैं काम करने के लिए, मिडल ईस्ट वगैरह सब में, तो यहाँ जो सिचुएशन है बहुत डिफरेंट हो चुकी है। उसके लिए अगर वालदैन थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और अपने बच्चों को रीडायरेक्ट करें इस तरफ कि सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों से हटा कर प्रॉपरली उस तरफ लगाएँ, तो बच्चे जो हैं 6 to 9 months में, 5 months में तैयार हो जाते हैं। हम तो कहते हैं 12 months, लेकिन हमें बच्चों ने गलत प्रूफ किया, जल्दी सीख गए, जल्दी। They are very quick learners. ये मुझे बताएं कि वो कौन से obviously platforms हैं जहाँ पे आपने देखा कि ये बच्चे ग्रो कर रहे हैं, या फिर जो करना चाहते हैं उनको हम क्या बताएं कि जी पिन पॉइंट करके कि आप ये वाली अपनी स्किल बेहतर बनाएं, आप ये वाले अपने अंदर डेवलप करें, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वक्त कम है, वरना मैं आपको कुरान हदीस से एग्जाम्पल देता। बात यह है कि ना, अगर आपने कहीं कामयाब होना है ना, तो यू लर्न द जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम day 1। हमने क्या किया कि हमने $1 million लगा के पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, उसके अंदर पूरी लैब्स बनाई, अब तो मिलियंस लग चुके हैं, उसके अंदर पूरी क्लाउड में लैब्स बनाई, वही सारे सिस्टम्स जो यहाँ पर आपके पास हैं, जो क्लाउड में आप यूज़ कर रहे हैं, दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज़ के, इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ को भी हमने नहीं छोड़ा,
ठीक है, कि वो नेटवर्क जो डिस्कवरी और शो टाइम में चलते हैं, बिल्कुल हमने इसी तरह नेटवर्क्स पूरे बनाकर सब कुछ करके पूरा एक पूरी लैब्स बनाकर, तकरीबन हमारे पास इस वक्त जो है 3,000 से ऊपर लैब्स हैं, वो पूरी बनाकर डिजाइन करके हमने रख दी, जिसमें आपको स्टेप वन से सिखाया जाता है कि आप कहाँ से लर्न करेंगे, क्या करेंगे, रेज्यूमे कब बनाना है, लैब्स कब करनी है, इंटर्नशिप के लिए कैसे तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह हमने पूरा तैयार किया। तो इसके इसको जैसे आपने कहा ना कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, वो हमने पूरा पोर्टल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन कि हमारे पास जो क्लास 8 के बच्चे हैं, इवन कि वो भी जो है इसकी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और माशाल्लाह अभी हमारा एक बच्चा है जिसका नाम मुझे मूसा नाम है, मूसा जमाल, उसका हम लोग अपनी कंपनी में भी रख रहे हैं। उसने हमसे सीखा, उसने एयरलिफ्ट यहाँ एक कंपनी है उसको उसने हैक किया एंड उसने बग बाउंटी पूरी निकाली। सो देर आर मोर देन 600 मिलियन जॉब्स अवेलेबल ग्लोबली। दुनिया में इस वक्त 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, 600 मिलियन जॉब्स मौजूद हैं। ये वो जॉब्स हैं जिसमें वोकेशन इतना नहीं पढ़ते, घरे जो है इतना नहीं पढ़ते, उनको पढ़ना और ना स्किल, मतलब कि दे आर बिजी इन देयर सोशल मीडिया लाइफ। अनफॉर्चुनेटली हम उनको रेप्लीकेट करें, हम उसमें लग गए। तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और अपने माँ बाप की बात सुने तो हम बहुत आसानी के साथ कामयाब हो सकते हैं। लेकिन फैसल भाई, यहाँ पर हमें ये भी तो सोचने की जरूरत है ना कि माँ बाप आज के टाइम पे जो वर्किंग माँ बाप है, माँ भी काम करी, बाप भी काम करा है, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे तो डिफरेंट एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व करते हैं, मोबाइल दे दिया, खाना नहीं खा रहा तब भी मोबाइल दे दिया, एक छोटी सी एग्जाम्पल है। तो ये भी यहाँ पर माँ बाप की गलती है, सिर्फ हम बच्चे को नहीं कह सकते ना कि हमारा बच्चा ऐसा है, माँ बाप की भी गलती कहीं ना कहीं आती जरूर है। एब्सोल्युटली, मतलब कि ये जो स्क्रीन टाइम है इसमें बड़ी रिसर्च है। मेरी वाइफ डॉक्टर है कनाडा में, यूएस में भी उसने काम किया माशाल्लाह। सो ऑटिज्म बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ता है अगर आप स्क्रीन टाइम दें, ADHD, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, राइट? सो अब तो ADHD बहुत कॉमन हो गया है वेस्ट के अंदर एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। सो अगर इसको कम किया जाए, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा दखल है कि वो इस चीज को हटाएं, किताब पकड़ाएं, उसको ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू स्क्रीन क्या मोबाइल दे रहे हैं। सही, ठीक है फैसल भाई, बेहद शुक्रिया मौजूद थे हमारे साथ गुफ्तगू, बड़ा जरूरी है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप ना है। जब भी फैसल हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि जितनी जिम्मेदारी माँ बाप की है उतनी ही जिम्मेदारी बच्चों की भी है, बल्कि मुझे ये लगता है कि शायद पेरेंट्स की थोड़ी ज्यादा होती है।